देखिए, बोलता है कि m तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 या 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। देखिए, जब 6 से डिवाइड किया जाता है, ऊपर से लिखते हैं, 6 से डिवाइड किया जाता है तो 5 शेष बचता है, और 5 से डिवाइड किया जाता है तो 3 शेष बचता है, जबकि 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो सिंपल आपको सोचना है, m तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 गुना होता है, इतना तो आपको पता है। तो ये चलिए इसको हटाइए, 3 गुना को अभी समझिए, इसका 3 डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस अलग अलग है। तो सिंपल आपको 11 संख्या हो सकता है, नहीं, देखिए मतलब कि 11 में 5 से विभाजित कीजिएगा तो 3 आएगा, नहीं, फिर इसमें क्या कीजिए, 6 दुना 12 5 17 में 5 से भाग करेंगे तो मतलब 17 में 6 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 3 15 नहीं आएगा, 36 18 18 5 23 23 23 में 5 से भाग कीजिएगा तो 3 से आ जाता है, मिल गया, मतलब 23 सबसे छोटी से छोटी संख्या है, 6 से भाग करने पर 5 से सफल और 5 से भाग करने पर 3 आता है, आ गया। जबकि तो सबसे पहले 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 5 6 का एलसीएम 30 होगा, और यहाँ पर आपको कितना आ गया, 23 आ गया, प्लस में 23, यहाँ के मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जबकि m को 11 से विभाजित किया जाता है तो मतलब शेषफल क्या होगा, है ना। m को जब 11 से, तो 3 अंकों की संख्या आप क्या लिख सकते हैं, 32 लीजिए। देखिए, 0 3 दुना 6 3 3 9, है ना, 0 3 दुना 6 3 3 9, इसमें 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ेंगे तो 3 8 983। अब इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 11 से डिवाइड कीजिएगा तो देखो 11 11 98 99 11 99, तो एक कम है 10 103 103 में 11 से भाग कीजिएगा तो 11 99 99, यानी कि 4 आंसर आएगा, कितना, 4, समझ में आया। देखिए 6 और 5 है, मतलब 6 से कोई भी संख्या में भाग दिया जाता है तो 5 से शेषफल आता है, 5 से भाग देते हैं तो 3, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 2 है, अलग अलग है, तो चाइनीज थ्योरम लगा के हम भी 23 निकाल दिए हैं, समझ में आ गया। और क्या करना है, 5 6 का एलसीएम 30 होगा, के मल्टीपल में 23 यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब इस प्रकार से घटता कब है, जब दोनों का मतलब यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 1 रहता शेषफल, तब यहाँ पर घटाते, ठीक ना। तो ये अभी समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, बोलता है दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का, है ना। देखिए सबसे पहले समझिए, इतने अति यदि उनके एचसीएफ मतलब संख्या क्या होगा, अपने संख्या पर गौर कीजिए, तो 12x और 12y संख्या ही हो गया, 12x और 12y आपका संख्या हो गया, हो गया। तो बोलता है कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12xy, एलसीएम 12xy एचसीएफ का, तो एचसीएफ 12 × 204 हो जाएगा, 204, समझ आ गया। तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी xy बराबर कितना आ गया, 204 आ गया, 204 आ गया, xy बराबर कितना आ गया, 204 आ गया। बोलता है कि और संख्याओं का अंतर कितना, 60 है, तो देखिए इसको इसमें से घटाएगा तो 12 कॉमन ले लीजिएगा और 60 को काट दीजिएगा, तो देखिए 12 कॉमन x माइनस वाई बराबर 60 काट दीजिएगा, तो 12 × 5 = 60, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 5 आ गया। तो 204 को कैसे तोड़े कि मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको तोड़ देंगे, 13 × 17 कीजिएगा तो हो जाएगा 17 × 13 17 × 13 17 ×, देखिए एलसीएम लिए लेते हैं, चलिए 4 से लगाएंगे तो 5 1 आएगा, 4 3 12, यानी 17 12 आएगा, कितना आएगा, 17 12, 204 को तोड़िएगा तो 17 12, और देखिए अंतर कितना है, 5 का है, आ गया आंसर, 5 का है ना, तो 5 हो गया, तो 5 आ गया। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो संख्या का योगफल क्या होगा, तो ये देखिए मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो 12 कॉमन होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29 होगा ना, 9 2 29, गुना कर दीजिएगा आंसर, देखिए 12 नामा 108, हाथ में 10, 12 दूना 24 24 24 आ 10 24 आ 10 34, कितना 34, यानी 348 आंसर, समझ में आया, 348 आपका आंसर चला गया, समझ में आ गया, इस प्रकार बनाया जाता है। देखिए बोलता है कि विभाजन विधि द्वारा, है ना,
मतलब विभाजन विधि आपको ऐसे अब तो आता होगा, तो इसको कैसे बनाना है सो समझिए मोटे मोटे अक्षर में। मतलब यहाँ से लिख देते हैं, ये हो गया तीन गो लेना है, क्या वो तीन गो, चले बारह बारह लिखते हैं, यहाँ पर आपका हो गया अंतिम भाजक 105 है, लिख लिए 105। एस सी एफ आपको आता है, जैसे मान लीजिए पाँच से चार से पाँच में एस सी एफ करना है, तो एक मरतब में चार एक आ गया, चार ऐसे उतारते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना यही कंसेप्ट का यूज करेंगे। चलिए इसको दो मिनट अभी रहने देते, चाहे हटा देते, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 105 है, 105 है, और अंतिम भाजक दो है, भागफल है ना दो है, कितना है दो है, और ये आपका आठ है, ये आपका एक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गुना करके होता है ना गुना और शेषफल, तो शेषफल जीरो है, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, हो गया। फिर ये 210 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, आया होगा कि नहीं, अब जैसे चार उतारे थे, उतारे थे ना, तो 210 यहाँ से आया होगा। फिर यहाँ पर शेषफल बचा होगा 105, तब ना घेर के भाग लगाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या जोड़ना है, 105 भी जोड़ना है, तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, आठ का आठ रहेगा, आठ दूना 16, इसमें जोड़ देना है 105, 105 जोड़ेंगे तो 5 8 7 1785 आएगा, कितना आएगा 1785 आएगा, 1785, तो यहाँ पर आपको आ गया 1785, 1785। अभी 1785 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ऊपर से आया होगा, यहाँ पर 1785 समझ में आ गया, और इसमें गुना होगा और ये 210 ऐड हो जाएगा, तो 1785 में एक से गुना करेंगे तो वही के वही रहेगा, 1785 में सिर्फ हमको ऐड करना है 210, 210 ऐड करेंगे तो 599 और एक आ गया, हो गया। और बोलता है कि दोनों संख्या को योगफल क्या, 1785 और इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी 5 5 कितना होगा 0, यानी देखिए जोड़ देते हैं 1785, जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 5 0 9 8 17 के साथ, यहाँ पर 8 होगा, इसका एलसीएम होगा 5 5 10 1, एलसीएम 8 हो जाएगा, 17 के साथ 2 1 3 यानी 37 80, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी समझ में आ गया, बी ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा। चलिए उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर, इसका कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, इतने इतने से विभाजित करने पर देखिए सबका क्या है, मतलब सेम आ रहा है, आठ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर अति 24 में से 16 घटाएगा, सबका डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको बोले हैं कि जब डिफरेंस सेम हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है, जब डिफरेंस सेम हो तो घटाया जाता है, तो 24 का एलसीएम कितना होगा, देखिए सब का एलसीएम लेना है, 24 के 24 लिख देंगे, 24 में 8 छुपा हुआ है यानी 8 3 24, यहाँ पर 3 लिखा आएगा, फिर 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 10 2 भी आ गया, सिर्फ 5 आएगा, 36 का एलसीएम कितना होगा, तो 36 का देखिए 3 से काट दीजिएगा तो 12, 4 भी इसमें चलाएगा, 36 को 3 से काटिएगा तो 12, 12 को 4 से काटिएगा तो 3, एगो 3 आएगा, मतलब यहाँ पर एगो 3 आएगा, क्या आएगा एगो 3 आएगा, समझ में आ गया, एगो 3 आएगा। चलिए 36 निकाल लिए, आगा है इसका क्वेश्चन दिया हुआ, और 28 और जब 7 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसको के मल्टीपल में ले लेते हैं, के मल्टीपल में 16 5 80, 80 9 यानी 72, 720 कितना आएगा, 720 आएगा, 720, 720 प्लस के माइनस 8 आएगा, ठीक ना 8 आएगा, तो देखिए 7 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 कहें 7, क्या पूछा क्या है, विभाजित और शेषफल लेते हैं और 7 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हैं, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो इतने इतने से विभाजित है ना, तो देखिए 3 का मल्टीपल में आ रहा है, तो ऐसे भी हम चले पहले इसको हम डायरेक्ट पूरा निकाल देते हैं, ठीक ना, 7 से विभाजित है तो 7 से विभाजित है ना, तो
तो देखिए सात से लिख देंगे तो ये कट जाएगा, एक सात दुना चौदह यानी छः के आएगा, छः के माइनस आठ। तो यहाँ पर क्या एक वैल्यू रखिएगा, एक रखिएगा, एक रखिएगा तो छः 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 में से नहीं कटेगा, दो रखिएगा छः दुना बारह, बारह में से आठ जाएगा घटेगा नहीं, तीन रखिएगा छत्तीस, अठारह, अठारह में से बारह जाएगा, अठारह में से आठ जाएगा तो कितना आएगा दस आएगा, नहीं कटेगा चार, छः छः चौबीस, चौबीस में से आठ जाएगा तो कितना होगा सोलह, नहीं छप्पन से तीस, तीस में से आठ जाएगा तो बाईस, नहीं छः लेंगे छत्तीस, छत्तीस, छत्तीस में से आठ जाएगा तो कितना आएगा, छत्तीस में से आठ जाएगा तो अट्ठाईस आ जाएगा, तो यानी अट्ठाईस ये काट जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा छः होगा। तो यहाँ सिंपल आपको वैल्यू छः रख देना है, कितना रख देना है छः रख देना है। तो देखिए जीरो छः दुना बारह, सात सौ बयालीस, बयालीस एक तैतालीस होता है ना, माइनस आठ कर दीजिए, माइनस आठ कर देंगे तो कितना हो जाएगा तैतालीस बारह हो जाएगा। अंकों का योग क्या है सात एक आठ, आठ दो दस, कितना आ गया दस, तो दस आपका ऑप्शन सही, समझ में आया दस आपका ऑप्शन सही हो गया। अगर ना तो इसको डिजिटल सम से देखते तो पर भी बन जाता है ना, तो किसी प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला बोलता है कि एम तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये हम बना दिए हैं, इसका चार आया था है ना। चलिए जब एक संख्या को पंद्रह से विभाजित किया जाता है तो देखिए पंद्रह हो गया तो सात शेषफल बचता है, और जब उसी संख्या को इक्कीस से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल दस शेषफल बचता है। तो पता करें कि इतने और इतने के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो सिंपल हम इसको बोले हैं, देखिए पंद्रह के पहाड़ आप पढ़ेंगे तीन एक पंतिया पैंतालीस और सात जोड़ देंगे बावन, यानी बावन ऐसी संख्या है। पहले पंद्रह इक्कीस का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो पंद्रह के पंद्रह लिखेंगे, पंद्रह के पंद्रह लिखेंगे और इक्कीस में से तीन इसमें चला गया सात, यानी पंद्रह पंद्रह सात कितना होता है पंद्रह, पंद्रह पच पचहत्तर छः के नब्बे, पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच, एक सौ पाँच एलसीएम हो जाएगा प्लस के, और डिफरेंस कितना है गया बावन को घटा लेना है, समझ आएगा। तो इतने और इतने के बीच में से कितनी संख्या संभव है, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा जो कितना साठ से छः हज़ार, छः हज़ार के आसपास में चल जाए, तो छः हज़ार देखिए मान लीजिए एक सौ है, कितना है एक सौ है, तो यहाँ पर आप एक सौ मान लीजिएगा तो साठ ले लीजिएगा, कितना लीजिएगा साठ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से उठाते हैं, चलिए छप्पन लेते हैं, छप्पन से गुना करना है इसमें तो छप्पन, छप्पन से गुना तो छप्पन पंचे कितना हो जाएगा छः पंचे तीस, छः पंचे तीस पचास, पच्चीस और पच्चीस तीन अट्ठाईस, हाथ में दो और छप्पन इक्कीस छप्पन, छप्पन आ दो अंठावन, इसमें से घटा देंगे बावन, यानी आपका ऑप्शन छप्पन मतलब छप्पन बी ऑप्शन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो देखिए इसमें से घटा दीजिएगा तो पाँच हज़ार है, तो घटेगा तो मतलब सिंपल आ जाएगा, और संतावन लेंगे देखिए छः हज़ार से कम है ना, और संतावन लेके आपको हम दिखा देते हैं, एक सौ पाँच माइनस बावन है, ये आपको याद रखना है, स्पेस कम है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। चलिए देखिए एक सौ पाँच है, अगर संतावन ले लेते हैं गुना में और माइनस बावन करना यही ना। चलिए देखिए संतावन पच्चीस, संतावन के पहाड़ आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं है, सात पच्चीस पैंतीस, पाँच पचास पच्चीस, पच्चीस और तीन अट्ठाईस, छप्पन लिए थे तो क्या आया था छप्पन, छप्पन से तीस, अच्छा चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड करना था बावन क्या है ऐड करना है इसलिए ज़्यादा होगा, अगर संतावन ले लेंगे तो ज़्यादा होगा, देखिए सात पच पैंतीस के पाँच यहाँ पर आती पचास पच्चीस तीन अट्ठाईस सात में दो और संतावन, संतावन में कितना जोड़ना है संतावन में दो जोड़ेंगे तो उनसठ हो जाएगा, समझ आएगा। इसमें बावन जोड़िएगा तो छः हज़ार से ज़्यादा चलाएगा, कितना चलाएगा सात तीन जीरो छः मतलब सैंतीस ज़्यादा आ गया, इसीलिए मेरा छप्पन ऑप्शन जाएगा, आप ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं, समझ में आ गया। मान लीजिए कि एक्स वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे आठ नौ इतने इतने से विभाजित करने प्रत्येक बार चार शेष बचता है, तो इसमें भी प्लस होगा, जब डिफरेंस दोनों सबका अथी रहता है तब उसमें माइनस होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक ना। मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर
चार से सफल बचता है। तो देखिए नौ का मल्टीपल दे किया है ना, नौ का मल्टीपल दे किया यानी नौ चाहे तीन भी ले लीजिए, तीन का दे किया ना इसका एलसीएम है, तो तीन के एलसीएम दे किया तो तीन पूरा डिजिटल सम जीरो हो जाएगा। अब प्लस चार होता है तो चार में डिजिटल सम तीन से भाग लगे यानी एक आएगा। तो क्या बोलता है, तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, एक्स के अंकों का योग क्या होगा, तो जिसमें यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या चल जाएगा, डी चल जाएगा, जिसका भी डिजिटल सम तीन के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो यही ऑप्शन एक नंबर आपका यह है डी नंबर जो सही है। तो आपको आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन से मतलब देखिए और सीधा मतलब बना दीजिए, नहीं तो बेसिक से हम बतला देते हैं कैसे बनेगा सो, है ना। तो देखिए आठ का आठ लेंगे, एलसीएम लेंगे, चलिए ऊपर से लिखते हैं, स्पेस कम है, आठ दूने नौ लिखाएगा, अब बारह तो इसमें चलाता है तो बारह के नहीं लिखाएगा, चौदह के सिर्फ सात लिखाएगा, और छत्तीस का क्या लिखाएगा, नौ चौक छत्तीस कुछ भी कुछ नहीं लिखाएगा, हो गया। इंटू के ले लेंगे, इंटू क्या ले लेंगे, के प्लस चार, समझ आ गया। अब क्या करना है, तो देखिए इसमें ग्यारह से नौ अठे बहत्तर, नौ अठे बहत्तर, बहत्तर में सात से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, बहत्तर में सात से गुना करना है तो सात से गुना करना है तो सात गुना चौदह, सात सत्तर उनचास, उनचास एक पचास, यानी पाँच सौ चार के प्लस चार, लेकिन ग्यारह के मल्टीपल होना चाहिए, किसका, ग्यारह के मल्टीपल, तो ग्यारह चौक चौवालीस चौंसठ हो जाएगा, ग्यारह पच्चे पचपन यानी नौ, नौ के प्लस चार। अब इसमें क्या मान रखे कि ग्यारह से विभाजित हो जाए, एक रखेंगे तो नौ चार तेरह नहीं कटेगा, दो रखें नौ दो अठारह यानी दो पर सेटिस्फाई, नौ दो अठारह अठारह चार अठारह चार बाईस हो गया, ग्यारह से मल्टीपल, यहाँ पर के का मान क्या होगा, दो होगा, के का मान क्या होगा, दो होगा। देखिए तो दो से रखिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना, चार दूना आठ और पाँच दूना दस, चार दूना आठ जीरो, पाँच दूना दस हो गया, इसमें आठ जोड़ दीजिएगा तो कितना, चार जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा यानी जीरो, इतना हो गया। तो क्या पूछा है, तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, देखिए दो एक तीन एक चार, तो समझ में आ गया, चार आ गया। तो बेसिक से भी बना सकते हैं आप, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे पंद्रह तेरह से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में दस शेषफल आता है, लेकिन इकतीस का गुणनफल है, देखिए इसमें तीन आ रहा है ना, मतलब तीन का मल्टीपल और इकतीस का भी गुणज है, और एक्स को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या जोड़ना चाहिए, है ना। तो देखिए तो ये तो पूरा मल्टीपल में कट जाता है, यानी जिसका भी डिजिटल सम यानी कि एक चार सात नौ आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो जिसका डिजिटल सम इतने आ जाएगा वही मेरा ऑप्शन होगा। समझा गया, आ गया समझ में, क्योंकि पूरा मल्टीपल कट जाएगा तो डिजिटल सम जीरो आएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, जिसमें वही संख्या होगा जो मतलब जोड़ा जाएगा। तो देखिए सात आएगा, चार तीन सात, तो यही आपका ए ऑप्शन जा रहा है, चार तीन सात, सात नहीं होगा, देखिए हाँ सोलह यानी सात होगा, ठीक है, एक चार सात नौ ये सब आ जाता है। तो डिजिटल सम देखिए तीन बारह बारह तीन मतलब तीन जोड़िएगा तो ये भी नहीं है, नहीं है ना, ना है देखिए, और तीन दो पाँच ये भी नहीं है, दस ये आ जाता है। चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं, ठीक ना, मतलब बेसिक से बना के देखते हैं। मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जीते विभाजित करने प्रत्येक मामले में दस शेषफल आता है, है ना। तो देखिए पंद्रह एलसीएम लीजिएगा, पंद्रह अठारह में से सिर्फ इसमें छः लिखाएगा, बीस के क्या लिखाएगा, तो पाँच लिखा गया तो चार बच गया मतलब दो लिखाएगा, सत्ताईस में क्या लिखाएगा, तो सत्ताईस में एगो तीन यह है यानी तीन तीन नौ, नौ दूना अठारह यानी कि सिर्फ तीन लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तीन दो गो तीन इसमें छुपा हुआ है, एगो तीन में लिखा गया, तो पंद्रह इसका मतलब इसमें दस जोड़ देना है, दस आई के मल्टीपल में है, के मल्टीपल में है। तो देखिए पंद्रह पंद्रह दूना तीस, पंद्रह दूना तीस छत्तीस, अठारह अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस नीचे लिखते हैं, छत्तीस क्या आ गया, पंद्रह दूना तीस, तीस छत्तीस अठारह अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस मतलब इतना के प्लस कितना आ जाएगा, दस, इकतीस का मल्टीपल में इकतीस इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इकतीस से भाग लगाएगा तो पाँच पचास यानी इकतीस घट जाएगा उन्नीस के, उन्नीस के प्लस दस आएगा, समझ में आ गया।
तो इसमें सबसे पहले इसको 31 के मल्टीपल में बनाना था, यानी कि आप एक रखेंगे मान तो क्या होगा, अगर मान मान लीजिए हम एक रखते हैं तो 19 10 कितना हो जाएगा, 29 नहीं होगा, दो रखेंगे तो 19 2 38 38 10 कितना हो जाएगा, 38 10 48 नहीं होगा, ये भी नहीं कटेगा, 31 के यानी 62 आना चाहिए, 3 लेंगे 19 3 57 और 10 7 67 ये भी नहीं होगा, 19 6 68 68 और 10 नहीं होगा, 19 5 95 95 10 देखिए 95 10 5 105 हाँ ये 31 का मल्टीपल में है, 31 के मल्टीपल में 31 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 5 15 नहीं, ये भी नहीं है, एलसीएम तो सही लिया है, 6 5 6 30 30 36 18 18 दूना 18 54 होगा, ओ सो सॉरी 18 54 यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर लिख 6 5 कितना होता है 30, ये 3 है, 6 5 6 30 और 36 18 18 54 540 के प्लस 10 31 से भाग लगाएंगे तो 31 घटा दीजिए तो 3 बचेगा 2 बचेगा 0 और 31 में मतलब मान लीजिए 30 30 90 90 90 90 9 9 7 मरतब में कटेगा, 7 1 7 और 7 3 21 यानी 3 2 और कट जाएगा 23 आएगा, 23 प्लस 10 के, तो ये देखिए इसको एडिट करते हैं, इतना को देखिए इसको सोचना है, क्वेश्चन में टाइम लग सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको 23 के आया था ठीक ना, जब इसमें भाग कीजिएगा 31 से सफलता, अब इसमें एक रखेंगे तो क्या होगा 33 हो जाएगा, नहीं दो रखेंगे तो 46 नहीं होगा, तीन रखिए 3 3 9 6 नहीं होगा, 15 2 30 होता है भाई, 30 × 18 18 54 सही तो लिखे हैं, अब करना क्या है 54 में चलिए भाग्य लगा देते हैं हम पूरा पड़ी, मिस्टेक कैला होता है यार, देखिए 540 है, में 31 से भाग लगाना है तो 31 से कहें 31 3 2 23 7 मरतब में लगाएंगे, 7 7 3 21 10 में से 7 जाएगा 3 2 में से यहाँ बच गया 2 2 में से 13 होगा, भर से मिस्टेक हो रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 13 13 क्या आएगा ठीक ना, कितना आएगा 13 क्या आएगा, देखिए 13 के प्लस 10 एक रखेंगे नहीं 13 2 26 और 10 36 नहीं 33 39 नहीं 53 52 52 यानी 4 आएगा, के का मान क्या आएगा 4 आएगा, 18 54 आया था इतना के प्लस 10 तो के का मान क्या आएगा 4 आ गया, तो 0 4 4 16 4 5 6 20 20 21 और 10 जोड़ दीजिएगा 21 70 आएगा 21 70 तो इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 37 जोड़िए 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 37 जोड़ेंगे तो 9 0 2 2 यानी 47 का स्क्वायर है, कितना के 47 का स्क्वायर है, तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं, 47 का स्क्वायर है यानी 37 जोड़ेंगे, समझ में आ गया, बोले थे 1 4 7 9 है ना, डिजिटल से माना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोलता है दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है तो सबसे बड़ी संख्या कितना 24 हो जाएगा 18, क्योंकि संख्या क्या होता है मान लीजिए अगर संख्या 18 8a × 8b होगा तो 8 के मल्टीपल में 8 3 24 सिंपल है, देखो देखिए बोलता है इतने का एलसीएम को जब एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले 165 लिखेंगे 176 लिखेंगे 385 लिखेंगे 495 लिखेंगे और सबको गुणनखंड करेंगे, समझ में आ गया, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, सो गौर कीजिए 16 × 11 आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 5 15 5 5 15 देखिए 5 5 15 5 5 3 से नहीं कटेगा यार,
चार चौका 16, चार चौका 16 यानी 16 गुने चार से कटेगा, चार चौका 16 और फिर चार चौका 16। देखिए चार चौका 16 और फिर चार चार से भाग करेंगे तो चार चौका 16। अरे यार 176 में क्या करना है, भागा करना है। मान लीजिए चार से भाग देंगे तो क्या आएगा, चार चौका 16 और फिर चार चौका 16 यानी कि 16 × 11 आएगा। कितना आएगा, 16 × 11 आएगा, 16 × 11। देखिए मिस्टेक हो गया, 16 × 11 ऊपर वाला में मिस्टेक हो गया है, ये आपका 15 × 11 आएगा। कितना, 15 × 11 आएगा, 15 × 11 आएगा। ये कितना आएगा, सो देखिए 7 × 35 कितना, 7 × 35 5 × 3 = 35 हाँ, यानी 7 × 5 × 11 आएगा। समझ में आ गया। फिर ये कितना आएगा, 45 यानी 5 × 9 = 11 आएगा, 11। समझ में आ गया। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको गौर करना है कि 11 सब में कट जाएगा, है ना। एच सी एफ आपका 11 हो जाएगा। अब एलसीएम ये सब संख्या का निकालना है, एलसीएम आता है ना निकालने, संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15 × 15 लिखाएगा, 16 × 16 लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं। और देखिए ये 5 उसमें चल गया, नहीं लिखाएगा, सिर्फ 7 लिखाएगा, लिखाएगा ना। ये 5 चल गया हुआ है, इसका 1 3 चल गया, 1 3 लिखाएगा इस 9 में से, तो 1 3 लिखाएगा, 1 3 लिखाएगा। 7 × 21 हो गया, ये 7 है तो 21 और 15 × 240 हो गया। अब गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट आपको 40 आएगा, मतलब 0 और 4 आएगा, तो यही बी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आ गया। देखिए 6 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल इतने और इतने बचता है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस सबका सेम है, डिफरेंस से सीधा ऑप्शन से उठाइए। देखिए 20 से भाग देने पर क्या होना चाहिए, शेषफल कितना बचना चाहिए, तेरहवां स्थान पर है यार, तीसरा स्थान पर, 16 बचना चाहिए, 16 बचना चाहिए। तो 20 का क्या होता है, 20 का अगर आपको हम बोल दें तो देखिए 20 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरी कट जाता है, 20 + 60 यानी कि यूनिट डिजिट सिर्फ आपको चेक करना है, क्या करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है, मतलब लास्ट का 2 82 में 2 से भाग कीजिएगा, 20 से भाग कीजिएगा, 82 में 20 से भाग करेंगे तो कितना होता है, 20 × 80 कितना होता है, अरे यार 20 × 80 होता है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब दोनों ख़त्म हो गया। चलिए 64 में 20 + 60 ये भी नहीं होगा, 20 × 56 में लगाइए, 20 × 56 कैसे होगा, सो मतलब क्या है, 20 से भाग देने पर शेषफल आपको 16 आना चाहिए, यही ना, 20 से भाग देने पर शेषफल 16 आना चाहिए। चलिए 82 × 80 नहीं आएगा, 60 × 60 कट गया, हाँ 56 आ जाएगा ना भाई, 20 × 40 होता है, तो 6 × 20 = 40 5 में से आता गए यार, क्या मतलब इतना इजी, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हो तो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्या का एस सी एफ 11 है, एस सी एफ 11 है, एलसीएम का एस सी एफ इतना गुना है। देखिए एच सी एफ तो संख्या क्या होगा, 18, 21 ए, देखिए संख्या हो जाएगा आपका 21 × 21 हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया, 21 × 21 क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो बोलता है कि एच सी एफ का मतलब एल सी एम कितना हो जाएगा, 21 ए बी हो जाएगा, हो गया एच सी एफ का, एच सी एफ 21 है, इसका 221 गुना है, तो इसे कट जाएगा, यानी ए बी का मान क्या आ गया, 221 आ गया। तो क्या पूछा है, तो इसको तोड़िएगा तो 17 × 13 में टूटेगा। देखिए 17 17
17 7 कितना होता है 91 होता है भाई, एक होगा और 13 13 9 कितना 22 हो गया, समझ में आ गया। तो 13 और 17 में टूटेगा। तो बोलता है दूसरी संख्या, ऐसे ऑप्शन से भी दे सकते हैं, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यही ना पूछा है। तो देखिए अंकों का योग पूछा है ना, तो सबसे पहले 13 से मतलब 21 में गुना कीजिएगा, तो 13 13 हाथ में ये अति 26 26 26 आए कितना 27, तो ये आपका ये संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या आपका हो गया 17 17 का मतलब अंकों का योग बतलाना है। तो देखिए 17 17 हाथ में 1 17 34 34 34 1 35, अब इसको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 5 15 15, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही। मान लीजिए कि x वर्ष 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक बार से शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान इतने के इतने के मध्य में है तो अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए 3 का मल्टीपल आ गया, और 3 का मल्टीपल तो इसका यूनिट डिजिट, जिसका अगर 1 चलाएगा ना तो मतलब 3 से भाग करने पर 1 बचना चाहिए, तो वही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए पूरा पूरी कट जाता है, ये भी पूरा पूरी कट जाता है, और ये भी कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही 16, न तो बेसिक से भी बना देते हैं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको, मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन देखते बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक्स व सबसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतने, तो सबसे पहले 2 3 का एलसीएम, 4 में सिर्फ 2 लिखेंगे, ऊपर से लिखते हैं। देखिए 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 4 का सिर्फ 2 लिखेंगे, और 5 का 5 लिखाएगा, और 6 को कुछ भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी इसमें कवर है, हो गया। और इतने 7 से 7 का 7 लिखाया, विभाजित करने पर प्रत्येक बार 1, तो ये k के मल्टीपल में हो जाएगा, और प्लस 1 लिखाएगा, प्लस 1 लिखाएगा, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में है, तो सबसे पहले इसको गुना का कैल्शियम निकालिए, तो कितना होगा, देखिए 2 गुना 4 4 5 20 20 गुने 7 3 21, 21 2 42 यानी 420 के प्लस 1, तो मतलब मान लीजिए कितना है संख्या 400 है, तो 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 0 7 2 14 7 6 28 28 1 29 यानी 29 40, तो 7 ऐसा संख्या है जो मतलब इतने के मध्य में आ रहा है, समझ में आ गया। तो अंकों का योग क्या होगा, तो जोड़ दीजिए 11 4 15 8 हो गया कितना, तो x के अंकों का योग क्या होगा, नहीं इसका ऑप्शन नंबर 15 जाएगा, सॉरी इससे बनाइएगा। देखिए 2 4 4 5 6 20 7 3 21 21 2 42 प्लस 1, ठीक है, और क्या करना है 7 7 7 2 14 7 6 28 28 28 1 29 हो गया, और अच्छा यहाँ पर 1 छूट गया था, सॉरी 1 भी जुटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है 16, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर बोलता है 2 संख्या का महत्तम संवर्त 18 है, यदि इन दोनों संख्याओं के, देखिए संख्या महत्तम तो संख्या क्या होगा 18a 18a × 18b होगा कि नहीं होगा, तो बोलता है कि संख्या और संख्या का लघुत्तम यानी एलसीएम का योग कितना है 954 है, यानी 18a + 18b + 18ab एलसीएम 18ab होगा कि नहीं होगा, बराबर सबका योग 5 954 है, तो 18 कॉमन लेके काटिएगा तो यहाँ पर आपको 53 वेग में कट जाएगा, 9 5 15 18 5 90 18 54, तो यहाँ पर आ जाएगा, सही से लिखते हैं a + b + ab = 53 आ जाएगा। देखिए दोनों साइड 1 ऐड कीजिएगा ना, दोनों साइड 1 ऐड कीजिएगा, तो ए यहाँ बी कॉमन लेंगे तो 1 + a कॉमन हो जाएगा, 1 + a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + b हो जाएगा, समझ में आ गया, और इधर 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो देखिए अब चाहो इसका मान क्या क्या हो सकता है, इसको तोड़िएगा, तो सबसे पहले इसको हम एडिट करते हैं, याद रखना क्या है सो, यानी यहाँ पर 1 + a और 1 + b का मान 54 है, तो इसको तोड़ सकते हैं 1 × 54 2 × 27 3 × 18 6 × 9, समझ में आ गया, ये वैल्यू नहीं होगा,
बिकॉज यहाँ पर मान जीरो हो जाएगा रखेंगे तो ये तीन वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि प्राइम फैक्टर ए भी होना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसका मान रखें एक आ जाएगा, इसका 26 प्राइम फैक्टर है, इसका 2, इसका 17 आ जाएगा, इसका 5 और इसका 8, सब अपने आप में को प्राइम है। तो कितना वैल्यू संभव है, 3 वैल्यू संभव है। तो HCF LCM का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया।